हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लहसुन का एक अचार बताने वाली हूँ जिसमें हम कच्चा आम डालते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है और 1/2 kg कच्चा आम लेके उसको ग्रेट कर लिया है। और इसमें जो स्पाइसेस पड़ेंगे वो सौंफ जो है वो हमने ली है 2 tablespoons, सॉल्ट 3 tablespoons और राई 2 tablespoons, पीली सरसों ली है 2 tablespoons, मेथी 1 teaspoon, रेड चिली 2 teaspoons और तड़के के लिए साबुत चिली ली है, रेड चिली कुछ 5-6 पीसेस लिए हैं और जीरा और काली सरसों जो है वो हमने तड़के के लिए लिए, हींग लिया है वो भी 1/2 teaspoon और जीरा जो है साबुत जीरा जो हम पीसेंगे वो करीब 1.5 teaspoon लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सौंफ, पीली सरसों, मेथी और जीरे को पीस लेंगे। ये मैंने चारों को मिला के मिक्सी में पीस के ये रखा है, इसको हम डालेंगे। इसको साबुत नहीं डालना है, पीस के डालना है। उसके बाद ये हल्दी पाउडर है उसको डालना है, लाल मिर्च है और बाकी मैं आपको प्रोसीजर में बताती हूँ किस तरह से हमको किस किस समय क्या क्या डालना है। ये मैंने पैन गैस पे रख दिया है, गैस ऑन है और अब हम इस पर डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल मैंने 1 cup लिया है, पूरा मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। अब ये मस्टर्ड ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जीरा, साबुत जीरा, राई काली राई और हींग और ये जो साबुत मैंने रेड चिली ली हुई है, सूखी ड्राई रेड चिली, वो डालते हैं। अभी थोड़ा ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा धुआं निकलने लगे, फिर उसमें डालेंगे। अब ये देखिए तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया है और धुआँ निकलने लगा है। अब इसको हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब इसमें हम उसका तड़के का सामान डालते हैं, मसाले। ये है राई और जीरा, साबुत रेड चिली और हींग। अब ये जब थोड़ा भुन जाएगा मैक्सिमम 30 seconds में ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। अब ये जब ब्राउन हो जाता है तब हम इसमें गार्लिक डालेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन रहा है। जब राई चटकने लगती है थोड़ा सा गैस तेज करेंगे। राई चटकने लगी है, भुन गए हैं मसाले। अब मैं इसमें गार्लिक डाल दूँगी। गार्लिक को हमने पहले से ही धो के उसको ड्राई कर लिया है फ़ैन के नीचे, थोड़ा पानी एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये गार्लिक इसमें हम डाल देंगे, इसको हम चलाएंगे। करीब 1 minute उसको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे थोड़ा गार्लिक सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1/2 to 1 minute। ये थोड़ा तेज फ्लेम पे 1 minute तक हमने भून लिया है गार्लिक को। इसमें गार्लिक होता है, कच्चा आम होता है, गार्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल करता है और जोड़ों के दर्द में बहुत हेल्प करता है और इसको खाने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। तो गार्लिक अगर आप खाते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में आप पराठे के साथ अगर ये अचार खाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा ये। मैं अब गैस स्लो कर देती हूँ और अब इसमें मैं कच्चा आम डाल दूँगी जो हमने आम ग्रेट करके रखा है।
वो डाल देते हैं। आम को भी बहुत अच्छी तरह साफ़ करके उसका छिलका निकाल के और उसको एकदम क्लीन उसमें कद्दूकश करना है। उसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए। आम का अपना जो पानी है वो ठीक है, उसमें बाहर का पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हम करीब 1 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके कुक कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा, मीठा तो नहीं डाला है इसमें, खट्टा अचार बनता है। एक मैंने आपको बताया था पहले मीठा अचार भी आम को ग्रेट करके, कल मैंने आपको बताया है एक मट्ठी जिसमें हम नमक नहीं डालते हैं, नमक अजवाइन कुछ भी नहीं डालते हैं, वो उसके साथ ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी स्पाइसी होता है, जिसको हम मट्ठा कहते हैं। मट्ठे के साथ हमारे नॉर्थ इंडिया में मट्ठा शादी ब्याह में ज़रूर बनता है और बहुत ही शुभ माना जाता है, गिफ्ट की तरह देते हैं बारातियों को और उसको काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। अब ये हमने तेज आंच पे थोड़ा हम इसको पका रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 1-1.5 मिनट। अब 1 मिनट हो गया है और हमने गैस स्लो कर दी है और ये जो मसाले मैंने पीस के रखे थे वो अब इसमें डाल देते हैं। इन मसालों में मैंने आपको दिखाया था मेथी है, 1 स्पून, 2 टेबल स्पून सौंफ है और इसमें राई है, पीली सरसों है और साबुत जीरा है, वो भी पीली सरसों 2 टेबल स्पून एंड साबुत जीरा 1 स्पून। इसको हम मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम फिर हम थोड़ी सी तेज करके और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको भी करीब 1 मिनट तक भून लेंगे। अब ये मसाले तकरीबन भून गए हैं। हमने ये जो मसाले मेथी वगैरह पीसा था उसको भूना नहीं था, कच्चा ही पीसा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भून लेंगे, 1 से 2 मिनट तक। अब ये ऑलमोस्ट भून गए हैं। अब गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सॉल्ट, सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए। मैंने 3 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 kg आम और 200 ग्राम गार्लिक के लिए, और रेड चिल्ली 2 स्पून लिया है, छोटा स्पून, बहुत छोटा नहीं, मीडियम स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें देख रहे हैं ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा ऑयल गरम करके थोड़ा ऑयल और डाल देते हैं। अब इसमें